First Choice Kids Wear Ramadan Special Offer Up to 40% Discount के साथ इस लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान शरारा पम्पलम गाउन बॉयज फुल सूट वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस प्रीमियम क्वालिटी सबसे सस्ता और अच्छा रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कोरोना वायरस की वजह से देश भर से हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं शमशान भूमि पर शव जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो कहीं अस्पतालों में मरीजों की दुर्दशा हो रही है। एक ऐसा ही तस्वीर सामने आया है महाराष्ट्र के सतारा से, जहां अस्पताल में बेड खाली ना होने की वजह से ऑटो रिक्शा में ही एक महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बैठी हुई है। 88 साल की ये बुजुर्ग महिला ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए अस्पताल के बाहर ऑटो रिक्शा में बैठी है और एक बुजुर्ग शख्स और कुर्सी पर ऑक्सीजन लगाकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें भी अपने आप में सवाल पैदा करती हैं। 88 साल की इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल में बेड न होने की वजह से ऑटो रिक्शा में ही ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। इस घटना की वीडियो सामने आने के बाद 88 साल की इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल में तो बेड मुहैया कराया गया, मगर जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लगभग पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है। हर रोज कोरोना के मरीजों के इलाज की तस्वीरें, अस्पतालों की दुर्दशा भी देखने को मिलती है। पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई।